स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन दिस वीडियो सीरीज वी आर स्टडिंग क्लास 11 दिस प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2 टू क्वेश्चन नंबर 2 सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 is based on the concept of finite and infinite. So, let's start. The set of lines which are parallel to the x-axis. ऐसी lines का set जो x-axis के parallel हो. x-axis क्या होता है? ये. अब आप सोचो x-axis के parallel में कितनी lines draw कर सकता हूँ? क्या आप count कर सकते हैं इसको? नहीं. So, this set will be a infinite set. Okay. So, answer number first will be infinite. Second, the set of letters in the English alphabet. English alphabet में जो letters हैं, क्या आप उनको count कर सकते हैं? जी बिल्कुल. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z. 26 letters. और किसी से भी मैं पूछूंगा, वो भी यही answer देगा. It means क्या है? Finite. ठीक है. Next देखो. The set of numbers which are multiple of 5. एक set आप बनाओ जो 5 के multiples हो. 5, 10, 15, 20. सर कहां तक लिखना है? क्या कोई limit दिया है? नहीं. तो बेटा limit नहीं है, मतलब कहां तक जाना है मुझे? Infinite तक. तो ये वाला set भी कौन सा होगा? Infinite. ठीक है. Next देखते हैं एक बार. The set of animals living on the earth. Okay. तो आप सोचो क्या infinite हो सकता है? नहीं सर. कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे count कर सकते हैं हम, है ना? तो क्या कहेंगे हम? The given set is a finite set. हम जहां काउंट कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात, अपन बात कर रहे हैं कि जिन चीजों को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, और जिनको काउंट नहीं कर सकते मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट फॉर्म में चलती जाती है वो इनफाइनाइट सेट होता है. ये वाला सेट हमारा कौन सा होगा? फोर फाइनाइट. ठीक है. नेक्स्ट में अपन बात करें लास्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. देखो ओरिजिन कौन होता है? ये 0 0, है ना? एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन होता है, एक्स और वाई एक्सिस का, वो 0 0 जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है. अब आप सोचो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, कितने सारे सर्कल बना सकते हो? सर नहीं पता. तो क्या होगा? इनफाइनाइट. तो ये पांच हमारे थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं जल्दी से. In the following state whether A is equals to B or not. तो हमने सबसे पहले देखा set A. Just a second, मैं पूरा question पहले लिख लेता हूँ. तो देखते हैं, देखिए, ये यहाँ पर दिया है, इनको equal set है या नहीं है हमें ये बताना है. तो A, A B C D और D C B A. First आप चीज़ check करो, A जो element है, क्या इसमें है? हाँ जी है. B जो एलिमेंट है, क्या इसमें है? हाँ जी है. C भी है और D भी है. ठीक है, ये तो हमने यहां से चेक किया. सेकंड सेट से भी सेम वेरीफाई करना है, है ना? ये चीज इक्वल में ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वल तभी होंगे जब इसके एलिमेंट सारे इसके बराबर हो, इसके सारे एलिमेंट इसके बराबर हो. तो आपस में देखा D B से मैच हो रहा है, सी सी से मैच हो रहा है, B से मैच हो रहा है, A से मैच हो रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं वहां पर. तो हम कहेंगे यस A इज इक्वल्स टू B या द बोथ आर इक्वल सेट. कैसे सेट है ये? इक्वल है. चलो भी यहां देखें 8 4 12 16 8 4 16 18, यही दिख रहा है आपको. 8 4 चेक हुआ, 4 है. 8 चेक किया, 8 है. 12 चेक किया, 12 नहीं है. 12 नहीं है. तो यहां से सिंपल सा पता चल रहा है आपने को कि नॉट इक्वल. नेक्स्ट हमने देखा 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. यहां से देखो x is that x is a positive even integer, x less than 10. मतलब क्या हुआ? पहले इसका सेट बनाओ, इसका रिजल्ट क्या होगा?
पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, और x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10 मतलब क्या, 2 4 6 8 और 10, 10 के बराबर तक हो सकते हैं सारे इवन नंबर, तो 2 की टेबल में क्या आते हैं, 2 4 6 8 10, तो क्या ये सिर्फ इक्वल है, 2 4 6 8 10 देखो एग्जैक्टली इक्वल है, तो जी हां ये दोनों सेट हमारे कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। देखो लास्ट की बात करें, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल बेटा ऐसे होंगे a is equals to what? इस सेट को देखो मैं सेटवेल्डर, यहां से सेटवेल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर में जनरेट कर रहा हूं या टेबुलर में बना रहा हूं, 10 20 30 40 सर, तो बोले कहां तक जाना है, इसने कोई लिमिट दी है यहां तक, नहीं, डॉट डॉट डॉट, पहले तो यही समझ में आ गया, बोले सर इसमें डॉट 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 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं है, फिर भी आप एलिमेंट भी चेक करेंगे तो देखो 10 आया फिर 20 आया तो यहाँ 15 है, 15 इसमें नहीं है, तो ये दोनों इक्वल से नहीं होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, a is 2 3 and b is x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6, तो बेटा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो x square plus 5x plus 6 को आप सॉल्व करेंगे, x square plus 5x plus 6 को, तो x square plus 2x plus 3x plus 6, एक ही पेयर हो गया, एक ही पेयर हो गया, तो कितना आंसर आएगा इसका, देखो x कॉमन x plus 2 और यहां से plus 3 कॉमन x plus 2, एक आंसर आ रहा है x is equal to minus 2 और एक आंसर आ रहा है x is equal to minus 3, यानी कि ये पूरा जो सेट है देखो इसका आंसर क्या है, ओवरऑल अगर हम बात करें, हम बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर आ रहा है minus 2 minus 3 और यहाँ पर plus 2 plus 3, तो इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। और लास्ट को देख लेते हैं एक बार, a such that x such that x is a letter of the word follow, तो फॉलो के लिए बेटा सेट बनाएंगे आप लेटर का, तो क्या बनेगा, एफ ओ एल, अब देखो एल ये वाला नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, ओ भी नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन है, और डब्ल्यू, ए सेट ये आया हमारे पास, इस तरह से बी सेट, आप देखो बी सेट अपने को क्या बोला, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड वॉल्व, तो वॉल्व देख लेते हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ, तो यहां आप देखोगे तो f से स्टार्ट किया हमने, f is equals to f, o is equals to o, l l w w, अगेन यहां से स्टार्ट करें, यहां कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेट्स को इक्वल और नॉन इक्वल हम बताते हैं, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों सेट, सिंपल सी बात यह है, एलिमेंट आगे पीछे लिखे हुए हो सकते हैं आप वो चेक कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी यही बोला है फाइंड द इक्वल सेट, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कंप्लीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।